हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग है, तो ये मैंने सेटअप में खुद से बनाया है। ये 25,000 मेरा सेटअप में हमको बनाने लगा। आप लोग कैसे में मोटो व्लॉगिंग सेटअप मैंने बनाया है आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को पूरा बताऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो कोई को पार्ट अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह वीडियो देखने के लिए। बाइक में हम लोग बैठ चुके हैं गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं इधर से अपना मेन रोड। व्यू एंगल आप लोग कैसा है जरूर बताइएगा गाइस। अभी जो है गोप्रो हीरो 10 मैंने कैमरा खरीदा था 1 से 1.5 महीना पहले, तो ये मैंने प्राइस हमको पड़ा 25,000। गोप्रो हीरो 10 हमको प्राइस पड़ा और पूरा एक्सेसरी मिला के जो भी एक्सेसरी लिया इसका, गोप्रो का माउंट लिया, एक हेलमेट लिया, लगभग 28,000 रुपए हमको पूरा एक्सेसरी खरीदने में लगा। हम लोगों को पहले जो मैं शुरू से मैं मोबाइल से मैं अपना वीडियो बनाता था, तो मोबाइल में बहुत सारा हमको दिक्कत आने लगा। मोबाइल में जो है आपका सही से वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था, मोबाइल में इतनी ज्यादा जो स्टोरेज ज्यादा हो रहा था, इसलिए हमको कैमरा खरीदना हमको बहुत ही ज्यादा जरूरत था गाइस, इसलिए मैंने कैमरा बाय किया। तो आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा मैंने कैसे कैमरा लिया, कितना मेहनत के साथ। आप लोग भी कैमरा कैसे ले सकते हैं, आप लोगों को कितना बजट के अंदर आप लोग ले सकते हैं, आप लोगों को बताऊंगा। समझ रहे हो, हम लोग अभी जो है ओवर ब्रिज के ऊपर से होते हुए जा रहे हैं मेन रोड में। अभी फ्लाईओवर का काम चल रहा है, फ्लाईओवर अभी बन रहा है गाइस, लगभग 1 साल के अंदर वो चालू हो जाएगा फ्लाईओवर। तो बहुत ही प्यारा लोकेशन है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है गाइस। इधर से हम लोग होते हुए जाएंगे। जो गाइस देख रहे हैं गाइस व्लॉगिंग सेटअप ये गाइस एक दिन में नहीं बना गाइस, मैं बहुत साल से मेहनत करते गया गाइस। मैं शुरू में अपना मोबाइल से वीडियो बनाता था, उसके बाद धीरे धीरे वीडियो बनाते बनाते उसके बाद जो अपना गोप्रो कैमरा खरीदा फाइनली। तो देख रहे हैं ब्लैक थार जा रहा है, हमको लुक वाइज बहुत ही अच्छा लगता है ब्लैक थार। तो जैसे आप लोग को बताया था गाइस मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा, जितना आप लोग मेहनत कीजिएगा अपना मोबाइल से पहले शुरू में वीडियो अच्छे से बना के आप लोग अपलोड करना पड़ेगा, अच्छे से एडिट करके अपना डिस्क्रिप्शन सही से डाल के टैग्स डाल के सही से आप लोग को वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। तो कोई ना कोई आपका जो वीडियो है वायरल होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका चैनल गाइस ग्रो होगा। फेक वीडियो से आप लोग गाइस बचना पड़ेगा। आप लोग कोई कोई वीडियो देता है गाइस इतना में इतना सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, ऐसा करो आप लोग को आपका जो वॉच टाइम बढ़ जाएगा, उस फेक वीडियो से आप लोग को गाइस बचना पड़ेगा। इस फेक वीडियो जितना आप लोग ये कीजिएगा अवॉइड कीजिएगा उतना अच्छा होता है गाइस। तो गाइस जैसे आप लोगों को बताया था गाइस, आप लोग को मेहनत जितना कीजिएगा भी आपका आगे जाके आपका लर्निंग उतना अच्छा होगा गाइस। जैसे आपको हम बता रहे हैं वीडियो जो नया नया चैनल खोले हैं, आपको सामान गिर गया था भैया को बता दीजिए, जो भैया आपका सामान गिर गया केयरफुली अपना सामान लेके जाइए। नहीं 1000 सब्सक्राइब आपको पूरा करना पड़ता है क्राइटेरिया, और 4000 घंटा आपको उस टाइम पूरा करना पड़ता है गाइस। तो पहले आपको शुरू में जो आपको 4000 घंटा आपको और 1000 सब्सक्राइब आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, तो धीरे धीरे जब बढ़ते जाएगा कोई ना कोई वीडियो आपको वायरल होगा तो ऑटोमेटिक आपका 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। और सब्सक्राइबर का रही बात, सब्सक्राइबर आपका शॉर्ट वीडियो छोड़ेगा, एक एक शॉर्ट वीडियो से आपका बहुत सारा सब्सक्राइबर आपका मिल जाएगा, तो धीरे धीरे आपका सब्सक्राइबर का भी क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा और वॉच टाइम का भी क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा गाइस। ऐसे मोटो व्लॉगिंग जो सेटअप बनाइएगा, मोटो व्लॉगिंग भी कर सकते हैं गाइस। आप अपना गोप्रो कैमरा लीजिए, कोई भी व्लॉगिंग वीडियो आप लोग भी शूट कर सकते हैं, मोटो व्लॉगिंग भी शूट कर सकते हैं, बहुत सारा काम में आपका गोप्रो कैमरा आपका आएगा गाइस। और मैं अपना बंगाल में जो है अपना बाइक है, ये वाला बाइक गाइस देख सकते हैं गाइस, ये मैंने बंगाल में अपना बाइक खरीदे हैं। तो अपना जब बंगाल में अपना घर पे जाऊंगा उधर इस बाइक से अपना व्लॉगिंग आप लोग को शूट करके और अच्छे से आप लोग को दिखाऊंगा। और अभी गाइस हम लोग आ चुके हैं अपना डेस्टिनी में गाइस। आप लोग मेहनत करते जाइए, आप लोग एक ना एक दिन सक्सेस आप लोग को जरूर मिलेगा गाइस। इसी तरह जब आप लोग गाइस जब वीडियो बनाना चाहते हैं, इतना अच्छे से व्यू एंगल आप लोग को लेके आना चाहते हैं, चैनल में जो आप लोग चेक कर सकते हैं, इसके बाद एक वीडियो मैं अपलोड किया थे तो उसको आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। उसमें स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताएं कैसे अपना गोप्रो को हेलमेट में अच्छे से माउंट करना है, आप लोग को पूरा उस वीडियो में आप लोग को जानकारी दिए गाइस। तो यहीं से ब्लॉग को आज स्टार्ट किए थे, यहीं से ब्लॉग को एंड करते हैं गाइस। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। इसी तरह वीडियो देखने के लिए गाइस और हमको फॉलो कीजिए और हमको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में।